जिला पंजीयक कार्यालय में लोकायुक्त का छापा। सहायक ग्रेड एक देवी प्रसाद गया वंशी रंगे हाथों 10,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गए। बताया जाता है कि प्रार्थी इंद्र कुमार साहू द्वारा सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस के लिए आवेदन दिया गया था, जिसको प्रदान करने के लिए 25,000 की रिश्वत मांगी जा रही थी, लेकिन बाद में मामला 10,000 में तय हो गया। प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त में शिकायत किए जाने के बाद आज आरोपी देवी प्रसाद गया वंशी को 10,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मामला ये है, मैं सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस लिया हूँ मैंने पिछले 2 माह पहले, और मैंने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन किया था 6/3/2023 को। इस एवज में सर से मेरी बात हुई बीच में, लेकिन मेरा लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया। मिस्टर देवी प्रसाद गैसवंशी साहब, इनने मुझसे 25,000 की डिमांड की, तो जिस आज जो मतलब कि मूल भाव में 10,000 का सौदा कम्प्लीट हुआ, वो 10,000 की रिश्वत लेते हुए सर पकड़ा गया। इंद्र कुमार साहू, नकदी दिए हैं नकद। मैं सोनपुर मल्टी छिंदवाड़ा, दिनांक 11/4/2023 को छिंदवाड़ा निवासी इंद्र कुमार साहू ने कार्यालय आकर लिखित आवेदन किया कि वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करता है और पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में लाइसेंस रिन्यू, उनका एक समय होता है जब उनको लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है, तो उसके लिए आवेदन किया था। काफ़ी समय हो गया उसका, जो लाइसेंस रिन्यू का काम था वो हो नहीं पाया। उप तारतम्य में जब प्रार्थी पंजीयक कार्यालय छिंदवाड़ा में पदस्थ देवी प्रसाद ग्यास वंशी जी से मिला, जो कि वर्गीय बाबू है, तो उनके द्वारा उनसे उपकार करने के लिए 25,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की गई। शिकायत प्राप्त होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए, विधिवत की रिकॉर्डिंग कराई गई, तो मोल भाव करने पर 10,000 रुपये लेने को श्री ग्यास वंशी जी राजी हो गए, जिन्हें आज दिनांक को 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। NBCN न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।